अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मार्केट टूर। और ये मैं फ्रूट और वेजेज मार्केट गई थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया। मैंने कहा मैं आपको यहाँ की फ्रूट्स मार्केट और वेजिटेबल मार्केट दिखाती हूँ। तो ये सऊदी अरब की वेजिटेबल मार्केट फ्रूट्स मार्केट है, यहाँ पर इसी तरह से फ्रूट्स वेजेज सब मिलते हैं। तो अब इसके बाद देखें ये सेक्शन इसी तरह से सारा कुछ पैक मिलता है। तो मैंने सोचा मैं आपको पूरा टूर कराती हूँ, तो एंजॉय करिए। और वीडियोस अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब 3 मिनट्स 4 मिनट देख के कीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए क्लिप भी शूट किया, तो आप लोग खूब इंजॉय करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो देखते रहें एंड तक, ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ये यहाँ की वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट्स मार्केट है, यहाँ पे आपको हर तरह की वेजेस, हर तरह का फ्रूट्स, कट विदाउट कट सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है सब यहाँ। और यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट यही है फ्रूट्स और वेजेस की, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर कितनी वैरायटी में फ्रूट्स हैं। और उसके बाद मैं सेक्शन में आ गई थी, मुझे केक के कुछ सामान लेने थे क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है इस मंथ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए इस सेक्शन में आई थी, यहाँ पे काफ़ी ऑफर्स थे, तो मैंने केक के थोड़े से शॉपिंग की और मैं आपको दिखाती चलती हूँ इंशाल्लाह। तो अब इस राइस सेक्शन में आ गई थी, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक और रहिएगा मेरे साथ इंशाल्लाह, मैं आपको खूब सारा इन्जॉय कराती हूँ। और ये थोड़ी सी शॉपिंग मैंने कर ली थी, आगे कभी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने मतलब बर्तन भी लिए थे, सर्विंग बाउल्स वगैरह, सूप सेट, वो सभी आपको दिखाती हूँ। सारा कुछ मैंने यहीं से लिया था, इसके बैक में बहुत बड़ी शॉप है एक्स्ट्रा चीज़ों की। और जैसे कि हमें बर्तन वगैरह और चीज़ें जो शीशे के क्रॉकरी वगैरह, तो ये सब यहाँ पे इसके बराबर में ही शॉप है, तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब ये देखें, अब मैं इस शॉप पर आ गई थी, यहाँ से बिल हो गया था, बेटे को मेरे देखें खूब इन्जॉय कर रहा है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी कल्ट्री वगैरह ली, वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। थोड़े से बर्तन लिए और क्रॉकरी वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं आपको दिखाती चलती हूँ, देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी सी क्रॉकरी लेनी थी, तो उसके लिए मुझे बाउल्स का सेट लेना था। मेरे पास बाउल्स सेट पहले भी थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा टूट गया है, बच्चे यूज़ करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे, तो ये टूट जाता है। तो अब ठंड आ रही है विंटर में, तो रोज़ डेली सूप बनता है, तो इसके लिए मुझे सूप बाउल्स लेने थे और उसके बाद स्पून भी लेने थे सूप के। तो मैं यहाँ आ गई थी, यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉकरी मिलती है, तो मैं आपको शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। अब थोड़ी सी शॉपिंग मैंने कर ली थी, फिर वापस मैं घर जाने लगी थी, और घर जाके आपको अपनी पूरी शॉपिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो रहिएगा साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा।
अभी आप मेरी शॉपिंग देख रहे हैं, मैंने क्या क्या लेके आई हूँ मैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये बेकिंग ट्रे वगैरह है और ये देखें बहुत रिजनेबल प्राइस में वहाँ पे लगा हुआ था। तो ये मुझे वैसे तो मैं लेती थी तो 30 रियाल का मिलता था, लेकिन ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 16 रियाल में मिला है डिस्काउंट के साथ, यानी इंडियन करेंसी 250 मतलब 250-300 रुपीज़। और ये देखें कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने ले लिया कप्स, क्योंकि मेरी कैटल पे मैच करते थे। और ये कुछ सामान मैं लेकर आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती थी। ये बेकिंग डिश है और ये इसे आप बेक भी कर सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। और बस आज मैंने कुकिंग ब्लॉग इसलिए नहीं आपके साथ शेयर किया कि आप लोग भी बहुत बोर हो जाते हैं कि काम कर करके, और मैं न्यू चैनल पे तो दूसरे चैनल पे मैं कुकिंग ब्लॉग तो शेयर करती रहती हूँ तो ज़्यादातर लोग तो उसमें भी ऐड हैं, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। मैंने सोचा मैं अपनी थोड़ी सी फ्रूट मार्केट वेजिटेबल मार्केट आपके साथ शेयर करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये देखें डिशेस वगैरह बहुत अच्छी थी जो हाफ प्राइस पे लगी हुई थी, ये नॉर्मल प्राइस पे हम लोग लेते थे तो ये समझें बहुत कॉस्टली मिलती थी हमें, लेकिन ये काफ़ी चीप प्राइस में मिली, हाफ प्राइस में। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ बाउल सेट लिए हैं और सूप का सेट है, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरत लगती हैं घर में भी, बच्चे रोज़ तोड़ते रहते हैं। तो ये देखें कुछ बाउल्स मैंने इस तरह से लिए हैं, ये यूज़ के लिए घर के लिए लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें लिया और बहुत रिजनेबल प्राइस में सारा कुछ मिल गया। तो यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट ये फ्रूट और वेजेस मार्केट थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ इंशाल्लाह एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी मॉल या शॉपिंग करते हुए आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। उम्मीद है आप लोग ने खूब इंजॉय किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।